आखिरकार इतने 9 ग्रह हैं सोलर प्लैनेट में, हमने मंगल के क्यों चुना? हम आपसे ये जानना और समझना चाह रहे हैं कि ये जो मंगलयान है वो मंगल ग्रह की कक्षा में तो प्रवेश कर गया है, ये वहाँ से हमें कौन कौन से डाटा वहाँ से हमें प्रोवाइड करेगा, और उस डेटा का इसरो और जो आम जनजीवन, जो सामान्य जीवन है, उससे हमें किस तरह के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि मार्स के बारे में हमारी जो स्टडीज जो प्लान हैं वो हमारे पुराने अर्जित की हुई नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं जी। इंडिया इज ए ग्रेट एक्सपर्ट इन मैपिंग द अर्थ फॉर एग्जांपल जी, एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी देयर आल्सो जी। हम पूरा उनका भी मैपिंग करना चाहते हैं, सरफेस की भी स्टडी करना चाहते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी करना चाहते हैं जी। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं लाइक कि वहाँ पर वाटर अगर कभी था तो फिर कैसे कम हो गया या चला गया कहीं, एटमॉस्फेयर किस प्रकार से थिन हो गया, जो कि बहुत हल्का वातावरण है वहाँ का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले जी। तो इस प्रकार की सभी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, और इसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी भी जुड़ी हुई होती हैं इसमें, हर मिशन में, हर प्रोजेक्ट में, हर स्टेप पर कई क्रूशियल चीज़ें होती हैं, जैसे कि डीप स्पेस नेविगेशन, डीप स्पेस कम्युनिकेशन, ये सब भी आप देखिए इतनी दूरी से बैठ के सब संचार करना, सब चीज़ों को कम्युनिकेट करना, कमांड्स देना, उनको स्टडी वापस करना। बाकी कैमरा वगैरह उसमें सब कुछ है, वो तो फोटोग्राफी अभी आज आफ्टरनून से ही शुरुआत हो जाएगी और हम देखेंगे, लेकिन ये जो इस प्रकार की मैपिंग का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारे देश को बहुत अच्छी महारत हासिल है जी। अर्थ के ऊपर भी हमने बहुत अच्छी सरफेस की मैपिंग की है, मून के ऊपर भी की है चंद्रयान ने हमारे जी, जी, जी। और अब हम ये सब जो है मार्स के ऊपर करने वाले हैं राइट। तो हम उसमें से एटमॉस्फेयर की भी काफी स्टडी करेंगे, और जैसा भी प्रोफेसर पैट्रिक दास गुप्ता ने बताया हाइड्रोजन ड्यूटेरियम इस तरह की चीजों को करेंगे, जो एक जो हमारा जो और मिशन के अंदर नहीं है और जो हमारे मिशन के अंदर है वो मीथेन की डिस्कवरी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर वहाँ वातावरण में मीथेन है तो कितनी उसकी मात्रा है और वो किस प्रकार से, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ से वो जनरेट हो रही है। इसी बात पे मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि लाइफ का जी मीथेन से क्या रिलेशन है, अगर हम कह रहे हैं कि मीथेन हमें वहां मिल जाए जी, तो इस बात की पुष्टि हो जाए कि वहां पे लाइफ है, ये रिलेशन क्या है लाइफ एंड मीथेन? ये देखिए, मीथेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ, जो जीवधारी लोग हैं उनसे ये मीथेन के, इट्स कंसीडर्ड अ की केमिकल टू डिटरमाइन लाइफ प्रोसेस। राइट राइट, इट्स अ की केमिकल फॉर एस्टेब्लिशिंग द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। और ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है हमारे सामने जी, कि क्या जीवन सिर्फ धरती पर ही है या ब्रह्मांड में और कहीं भी जीवन है जी। तो सबसे नजदीक हम यही देखना चाहेंगे कि चंद्रमा के बाद जो सबसे पहला प्लेनेट है, चंद्रमा तो प्लेनेट नहीं है जी, लेकिन सबसे नजदीकी जो हमारा प्लेनेट है मार्स, जहां पर ये कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम उसमें जीवन की आशंकाओं को थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं राइट। और ये हमारे मिशन को बाकी मिशन से थोड़ा अलग बनाता है राइट। प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ, नाउ व्हाट वी सॉ हैपनिंग ऑन मंडे वाज द टेस्ट ऑफ दैट मेन लिक्विड इंजन, यू नो इट वाज टेस्टेड फॉर 4 seconds approximately, that was, let's talk a bit about that as well, because that was very crucial. Had it not gone in the right direction, it wouldn't have placed, there was of course a plan B in place, but it wouldn't have placed the spacecraft into its intended orbit. It could still have been near Mars, but not at the right place. So that was also a very crucial step. Oh, Nancy, इससे पहले हम उनका जवाब सुने, हम सीधे चलेंगे अपने correspondent लखनऊ में मौजूद हैं आशुतोष। आशुतोष